शराबबंदी नीतीश कुमार के गले की फांस बनने वाली है। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा करने वाली है। खास करके एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू के एक विधायक हैं, उनके भाई के यहाँ बकायदा जो प्लांट है वहां से शराब की कई बोतलें मिली हैं, वहां से लगभग 20 कार्टून शराब जब्त है। इस खबर के बाद अब नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ने वाली है। एक बार फिर से चिराग पासवान सहित बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे और उनकी जो शराबबंदी की जो योजना है, वो जो शराबबंदी कानून है, उसको लेकर नीतीश कुमार को घेरा जाएगा। बता दें कि दरभंगा वाटर प्लांट में शराब की खेप जेडीयू विधायक अमन हजारी के चचेरे भाई के प्लांट प्रशांत हजारी से 20 कार्टून शराब जब्त किया गया। कुशेश्वर स्थान पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसके अलावा चाहे वो गोपाल मंडल हो जेडीयू के इस वक्त विधायक, या फिर जो कह सकते हैं कि श्याम बहादुर सिंह है पूर्व विधायक, इस बार चुनाव हार गए, दोनों पर आरोप लगता है कि वो शराब के नशे में डांस करते हैं। आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं आती होती है? नीतीश कुमार साफ तौर पर कह चुके हैं, ना हम एक बूंद किसी को शराब बेचने देंगे और ना पीने देंगे। अगर आप पीने नहीं देंगे, बेचने नहीं देंगे, तो फिर आपके जो पार्टी के नेता हैं उनके परिजनों के यहां से शराब बनाने की बात आती है, शराब बेचने की बात आती है। और खासकर अब जब जेडीयू विधायक अमन हजारी के चचेरे भाई के प्लांट से 20 कार्टून शराब जब्त की गई है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? इस वक्त लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि 70-80% जो लोग शराबबंदी कानून के नाम पर जेल में बंद हैं वो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं। जीतन राम मांझी इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि जो भी जेल में बंद है उनमें से कई गरीब घर के लोग हैं, लेकिन जो शराब माफिया है, जो शराब बेच बेच करके हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर चुका है, और बिना राजनीतिक सांठगांठ के ये हो ही नहीं सकता है। और चूंकि बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शराब बेचकर गैरकानूनी तरीके से इन्होंने सैकड़ों करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं, और इस वजह से ये अपराध की दुनिया में और सफल होते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी का जो कानून है वो गले की फांस बनने वाला है। और इससे पहले भी खबरें आई थी कि कैसे छपरा में एक शराब कांड में 10-12 लोगों की मौत होती है, और फिर वही आरोपी नीतीश कुमार से पता चलता है पहले वो सीमा आवास में जाकर जो है तस्वीर खिंचाया होता है, जबकि उसी खजुरबनी जो जहरीली शराब कांड होती है वहां पे कुछ लोगों की मौत होती है, और उसमें कुछ महिलाओं को बाकायदा, उसमें कुछ पुरुषों को माफ करिएगा, फांसी की सजा दी गई, महिलाओं को उम्र कैद की सजा दी गई थी, और वो लोग बहुत दलित समाज से थे। लेकिन जो नेता होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी राजनीतिक सांठगांठ होती है, वो शराब भी बेचते हैं, सैकड़ों करोड़ कमाते भी हैं, और फिर पुलिस उन्हें पकड़ने की जहमत भी नहीं उठा पाती। हालांकि अब जेडीयू के विधायक अमन हजारी के जो चेरे भाई हैं प्रशांत हजारी, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 20 कार्टून शराब जब्त हुई है, और अब चिराग पासवान और ना ही बीजेपी को छोड़ने वाली है, मुश्किलें तो बढ़ेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में कुछ बड़ी कार्रवाई होती है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।